हेलो सुनील। हाँ जी सुनील, मैं वसुधा का चाचा हूँ बेटे। अभी इमरजेंसी हो गई है। अच्छा, मैं बता दूँ? नहीं, ये वसुधा वो आपको याद भी कर रही थी। मैंने कहा बेटे ऐसे शादी से पहले मिलना ठीक नहीं है, लेकिन अभी इसके कुछ पेट में दर्द है, पता नहीं क्या है। अच्छा, वसुधा के पापा भी गए हुए हैं, अभी मम्मी भी बाहर है। मैं इसका चाचा हूँ बेटे, मेरी आपकी बात भी नहीं हुई, ठीक है? अच्छा, इसके नहीं, इसने पता नहीं है कल परसों कुछ खाया, पेट में ऐसा है इसके दर्द हो रहा है कि बोला तक नहीं जा रहा, इशारों में ऐसे हाँ हूँ कर रही है। हाँ, तो बताइए। कल इसका अपॉइंटमेंट लिया हमने डॉक्टर से सफदरजंग में। हाँ अंकल जी, इसको दिखाना बहुत नहीं, हाँ जरूरी है दिखाना है, तबीयत वो इसीलिए इसकी। फ़ोन किया बेटे। कल 7:30 का अपॉइंटमेंट है, सफदरजंग में रहती है। तो बेटे पापा इसके हैं नहीं, और इत्तेफाक से मामा भी गई हुई हैं। बेटे अगर आप माइंड ना करें तो कल 7:30 बजे वसुधा को दिखा सकते हो आप वहाँ डॉक्टर के? कल कितने बजे? 7:30 बजे शाम में बेटे। शाम में अंकल जी, कल मॉर्निंग मॉर्निंग में ले लेते हैं मेरी अपॉइंटमेंट। बात हुई मॉर्निंग थी में डॉक्टर से, मॉर्निंग में है ही नहीं, दिल्ली आ रहे हैं वो 5:30 बजे, कह रहे 7:30 देख सकता हूँ मैं। कल कल तो सैटरडे है। बेटे इसको लेके चले जाइए आप, क्योंकि बेटे घर पे अभी ये है कि कोई है नहीं। अभी इसको पुदीने की चटनी और वो पतली खिचड़ी खिलाइए, ठीक हो जाएगी इसकी और हो मासी जाएगी को उसे। फोन तो किया था, वो ही खिलाया, उससे भी काम नहीं हुआ। आपने वो मतलब दे दिया उसे, काम मैंने नहीं आया। दिया है, मैंने दिया है। बेटे कल 7:30 आ जाओ, मैं आपको बोलता नहीं अब अंकल ये। जी, एक काम करते, इसको आप उसे गिलोई खिला दो। ये गिलोई परचून की दुकान में मिलती है, हाँ और इसे आप गिलोई खिलाओ। आप गिलोई को अच्छी तरह से पूरी रात भिगो लेना और सुबह इसे खिला से दो आप। पहले ये इलाज किया था, मेरे को भी पता है कि गिलोय ही भिगोते हैं, गिलोय भिगो के मैंने खिला भी दिया कल से, लेकिन नहीं हो रहा काम दान। गिलोई से भी सही नहीं हुआ इसका। ये कल इसको आप डॉक्टर लेके, कौन कौन से डॉक्टर अंकल जी डॉक्टर हैं? मुखर्जी हैं, फिजिशियन हैं, इन्हीं से को दिखाती है। तो ये शाम में ही बैठते हैं, सुबह नहीं बैठते हैं? शाम में ही बैठते, सुबह नहीं बैठते बेटे। बहुत 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 ज्यादा दर्द हो बहुत रहा है। ज्यादा दर्द है, मतलब वो तो 7:30 का अपॉइंटमेंट वो दे कह रहा था कि मैं परसों मॉर्निंग का दे दूँ। मैंने कहा नहीं, कल शाम को दे दूँ आप 7:30। मैं बोलता नहीं आपको नहीं अंकल जी, क्योंकि अंकल जी आप ना इसे पुदीन हरा पिलाओ, पेट वेट में ना थोड़ा गैस फंसी होगी, बाहर निकल आ जाएगी, आराम से सही हो जाएगी। वो 7 गोलियां दे चुके हैं पुदीन हरे की, कितनी? 7। ओहो तो आप आ जाओ, इसको ले जाना 7:30 बजे। अंकल जी, कल 7:30 बजे आप मैं कैब अरेंज करा देता हूँ, आप आराम से इसको कैब में ले बेटे जाना कैब डॉक्टर तो के। मैं भी करा सकता हूँ, या तो कैब से आप लेके चले जाओ, क्योंकि 7 में जरूरी है ना, कैब मैं करा देता हूँ, आप ले जाओ बेटे। वो तो ठीक है। समझे, आप आ जाओ। अंकल जी, थोड़ा बात हो सकती है मेरी वसुधा से? मैं बुलाता हूँ बेटे, वो बोल नहीं पाएगी, सिर्फ आवाज आ रही है, वो दर्द ओहो में है। आगे बेटे बात करो वसुधा से। वसुधा, कल कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्लीज किसी तरह मैनेज कर लो। अपने उनको अंकल जी को बोलो ना, कोई तरह से मैनेज कर लें। अंकल जी तो बैठे, उनके पास काम भी नहीं, उनसे बोलो ना एक दिन ले जाएं तुम्हें। वसुधा, तुम कहो तो मैं इनसे बात कर लूं। मैं कह के देखूं, बात कराऊं। हेलो, हाँ अंकल जी। हाँ जी अंकल जी, प्लीज आप एक फेवर करेंगे? हाँ बेटे बोलिए। हाँ जी, प्लीज डोंट माइंड अंकल जी, मुझे बड़ा कहते हुए जी, प्लीज आप अगर उसे ले जाते हैं कल डॉक्टर के यहाँ, मैं थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी, थोड़ा बिजी हूँ बेटे। मैं ले काम जाता में। मेरे बच्चे, मैं ले जाता बेटे। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ईडन गार्डन में मिस नहीं कर सकता एक बॉल भी बेटे, इसलिए मैंने आपको कहा है, घर में कोई नहीं है बेटे। क्या हुआ बेटे? ये अब उल्टी चीजें खा लेती है, मेरी कोई अब जिम्मेदारी नहीं है, मुझे 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 भी मैच देखना है। हेलो, हेलो डॉक्टर मिथिलेश। हाँ जी डॉक्टर मिथिलेश, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, और आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं मेरठ के डॉक्टर को क्यों फ़ोन कर रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ अपनी परेशानी बतानी थी, और मुझे बताया था कि मेरठ में है ये डॉक्टर, आपके बारे में साइकेट्रिस्ट हैं। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? होता हम मुझसे यहाँ के मिल लेते हैं। मैं डॉक्टर साहब आ नहीं सकता, लेकिन आपको कुछ अपने दिल की बात बताना चाह रहा। अगर मैं यहाँ से कुछ कर सकूंगा तो मैं यहाँ से करूँ। डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं जानता, आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आज मेरा मोहब्बत पे से यकीन उठ गया। मैं अपनों से भी ये बात नहीं कह सकता, और मुझे वो सारी चीजें याद आती हैं
कि मोहब्बत में क्या क्या वादे हुए हमारे बीच, मैंने क्या कुछ नहीं किया। हो जाते हैं, आप थोड़ा ये धीरज रखिए, ऐसे ऐसा हो जाता है लाइफ में, अप डाउन आते हैं, तो कोई ऐसा लाइफ में अप डाउन तो जब आएंगे ना डॉक्टर साहब, जब मेरी लाइफ बचेगी। नहीं देखिए, बात सुनिए, आप वो मत सोचिए, ये सब कुछ बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होता है, आप फिर बिजी हो जाएंगे, फिर लग जाएंगे दुनिया में बिजी। मेरा दिमाग कहीं नहीं लगता डॉक्टर साहब, मैंने दिल निकाल के रख दिया था मोहब्बत में, और मैं अपने से ज्यादा उसके बारे में सोचता था डॉक्टर साहब। ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे वादा करके किसी और से शादी कर ली क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मुझसे कर ली, मुझे लग रहा था शायद किसी और से कर लेगी, शायद किसी और से कर लेगी। डॉक्टर साहब, इसको इतना भी तरस नहीं आया कि जिस इंसान से मैं मोहब्बत करती हूँ मैं उसी से शादी कर रही हूँ। इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, बोल कौन रहा तू? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे। हेलो दीप जी, नमस्कार। नमस्कार दीप जी, बस ऊपर वाले की कृपा है भाई, आपके यहाँ शादी ठीक ठाक हो गई, और मैंने कहा फोन करके बोलना चाहिए भाई, फर्ज बनता है। हर चीज बहुत अच्छी थी, खाने में बड़ा स्वाद आया हमें। मैं लेकिन पहचान नहीं पा रहा, आप कौन बोल रहे हैं? वहाँ पे तो इतने सारे लोग आए हुए थे। नहीं नहीं, वही आप बिजी थे, मैं विवेक बोल रहा हूँ, आपने कार्ड दिया था। तो मैं ये कह रहा था, मैंने वाइफ से भी कहा था, सारी चीजें सही थी, बस एक प्रॉब्लम हो गई थी उसमें ना। क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं मैं वो असल में, मैं वाइफ और बच्चे आए थे, तो हमारे कोऑर्डिनेशन में ना गलती हो गई थोड़ी। मैंने वाइफ से कहा था भाई मैं लिफाफा दे दूंगा, घर आके मेरे से कह रही है मैंने भी दे दी। मैंने कहा गधी है क्या, मैंने भी दे दिए, पहले कोऑर्डिनेशन कर लेना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन नहीं था ना, तो लिफाफे पहुंच गए दो आपके पास। 1,000 का मैंने मारा लिफाफे में, मेरे से कह रही है मैंने भी 1,000 ही मारे हैं। मैंने कहा चलो जो है वो अच्छा हुआ है ना, चलो आपने फोन किया, आपने नहीं, फोन तो मेरे को करना ही था ना, फोन तो करना ही था, लिफाफे दो पहुंचे हुए हैं आपके पास। चलो वो तो चलो अशगुन था जो आपने दिया है ना, वो तो नहीं, एक होता है ना, एक होता है, दो लिफाफे पहुंच गए आपके घर, तो कोई बात नहीं भाई साहब, फिर नहीं, फिर क्या मैं ये नहीं, आशीर्वाद हो गया ना, वो तो आपका डबल आशीर्वाद हो गया आपका। नहीं आशीर्वाद तो मैं वैसे देता हूँ बिना एनवेलप के, आशीर्वाद आप 5 बार ले लो आगे। कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं था, मैंने एक दफा भी नहीं बोला कि आपका कोऑर्डिनेशन नहीं था, मेरी वाइफ का नहीं है, दो लिफाफे पहुंच गए आपके पास। तो ये तो आपको घर से करके मैंने वाइफ को कहा, मैंने कोऑर्डिनेशन तेरे को करना चाहिए था ना, कि शादी वालों को। हाँ तो भाई अभी आप क्या चाह रहे हैं भाई साहब, लफाफा वापस कर दो, लफाफा वापस कर दो, एक लफाफा वापस कर दो, मतलब मैं आपकी कोई गलती, ऐसे नहीं होता है भाई साहब, ऐसे थोड़ा होता है, कैसे होता है फिर लिफाफा। एक बात बताइए, आप कितनी शादियों में गए हैं आज तक? तो हम कोऑर्डिनेशन करके जाते हैं ना, तो मेरा नहीं हुआ ना कोऑर्डिनेशन की सजा, तो ये थोड़ी है कि मेरा लफाफा आपके पास रहेगा, दो लिफाफे हैं आप वो वापस कर दो, ठीक है? ऐसे थोड़ा लिफाफा कैसे वापस, हमको क्या पता आपने कितना उसमें डाला था, खाली लिफाफा 1,000 बोला तो है, मेरी वाइफ ने मारे 1,000, मैंने मारे 1,000, मैंने बोला है काम की चीज सुनते नहीं रहता है भाई साहब, इतने लोगों के लिफाफे हैं, नहीं याद कैसे नहीं रहता, मेरे को याद है ना, मेरी वाइफ वाला वापस कर दो। अरे ऐसे थोड़ा वापस हो जाएगा, वाइफ का छोड़ो आप, मेरा वाला वापस कर दो आप, ऐसे कैसे वापस कर देंगे यार, वापस नहीं कर देंगे, लिफाफे खाली भी हो सकते हैं दोनों, दो खाली लिफाफे दे दो, 1,000 रुपया मांग रहे हो उसमें। मैंने ये बोला वहाँ पे वो डिशेस खाली पड़ी थी, था ना उसमें खाना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने खाया ना, आपने दोनों ने खाना खाया ना उसमें। मेरी बात सुन लो, वाइफ का लिफाफा वापस करो, दो पहुंच गए, नहीं दे रहा वाइफ का लिफाफा, वाइफ का मेरा वापस करो यार, आपका क्यों दूं मैं, क्यों दूं, आपने आपने खाना खाया, तीन प्लेट तो आपने मेरे सामने खाई है, बैठे दो लिफाफे लेके बैठोगे, शर्म नहीं आती, शादी दो करी है जो दो लिफाफे ले रहा है। ए ए ए मुंह मार के बात कर, मुक्का मार दूंगा यहीं से, तेरे मार दूंगा, फोन दो लिफाफे लेके, धीरे धीरे हेलो, दो लिफाफे पहुंच गए हैं, फोन काट दिया, एक वापस करो जल्दी, ठीक है? अबे फोन काट, मुक्का मार दूंगा यहीं से, देखो मैं एक शादी का दो लिफाफे, शर्म अबे फोन काट, फोन काट। हेलो मैडम जी, भाई साहब हैं घर पे, फोन बंद कर रखा है उन्होंने। आप कौन? प्लम्बर बोल रहा हूँ, जरा बात कराना। हेलो, बुलाया था क्या प्लम्बर? अगर मेरी वाइफ का लिफाफा देने में शर्म आ रही है, मेरा वाला वापस कर दे, ठीक है? मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा मैं, मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा, फोन कर। एक काम कर, दूसरी शादी करवा, दो लिफाफे पहुंचे हैं, दूसरी शादी करवा, किसी की उसमें आएंगे। बदतमीज आदमी है, मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा, निकाल रहा है ना तू।